Hi guys, this is my first vlog and I've recorded my journey to my nani's place in Ranchi. So I have a flight to catch right now, so let's go. I've dressed all black because black is my favorite color, and that bag is going to be my cabin bag, which is going to be with me the whole time throughout the flight. And now we're going to head downstairs. Pehle bhagwan ka aashirwad le le for a safe journey, of course. And let's go. Airport looked quite empty, but actually मैं ऐसा नहीं था क्योंकि एयरपोर्ट पे हम लोग पहुँचे नहीं थे अभी तक. पार्किंग लॉट से अभी एयरपोर्ट की तरफ जा ही रहे थे एंड एयरपोर्ट पे काफ़ी लोग थे, कोई कम लोग नहीं थे as you all can see. एंड हमारे बैगेज का डिसइंफेक्शन हुआ था पहले एंट्री से एयरपोर्ट पे. एंड नाउ वी वर हेडेड टू द एयर इंडिया काउंटर बैगेज देने के लिए. तो मैं खुद का बोर्डिंग पास लेके गया था, पर वहाँ पे भी बोर्डिंग पास प्रिंट हो रहे थे. फिर हम लोग सिक्योरिटी के लिए गए. सिक्योरिटी जल्दी हो गई थी काफ़ी. फिर मैंने देखा कि एयरपोर्ट काफ़ी बड़ा था, जो बहुत अच्छी बात थी क्योंकि सोशल डिस्टेंसिंग रखने के लिए अच्छा फ़ायदा था. और मैं इस वाले एयरपोर्ट पर, इस वाले टर्मिनल पर पहली बार आया था, तो मेरे को आइडिया नहीं था गेट्स कहाँ पे होगा. तो मेरे साथ एक बहुत फ़नी चीज़ हुई कि मैं गलती से फूड कोर्ट में चला गया सोच के वहाँ गेट्स होगा, और वह खाना बहुत टेम्पटिंग था, पर मैंने ऑफकोर्स कुछ नहीं खाया कोरोना का सिचुएशन देखते हुए. और फिर हम लोग गेट की तरफ गए. मेरा गेट नंबर 28 ए या बी में से कोई एक था. वहाँ पर हम लोग बैठे एक एक सीट का गैप करके, फिर लाइन में लगे बोर्डिंग के टाइम पे. प्लेन आधे घंटे लेट था शायद. वहाँ पे आपका मेरे को एक बात, एक चीज़ देख के काफ़ी खुशी हुई कि एयर इंडिया वाले स्टाफ काफ़ी अच्छे क्वालिटी के मास्क और फेस शील्ड बांट रहे थे, जो काफ़ी अच्छी बात थी. लेकिन मैं खुद का लेके गया था तो मेरे को ज़रूरत नहीं पड़ी. और फिर आपका बोर्डिंग कंटिन्यू करते आगे बढ़े. एंड देन मैंने देखा कि वहाँ पे एक पतला सा लैब कोट टाइप से एक क्लॉथ भी बांट रहे थे, जो काफ़ी अच्छा था प्रोटेक्शन के लिए, पर मेरे को नहीं मिला. लेकिन मेरे को ज़रूरत भी नहीं थी तो कोई फ़र्क नहीं पड़ा. और जब ये बंदा टेम्परेचर ले रहा था तो मेरे को बहुत डर लगा कि कहीं मेरा टेम्परेचर हाई ना आए, बट लकली सही था एंड आई वॉज क्वाइट हैप्पी अबाउट इट. फिर एक पानी की बॉटल मिली एंट्री पे. फिर हमने जाके अपने सीट ली जो 16D थी आई गेस. एंड ऑफ कोर्स यह हर बार होता है प्लेन में. Then we took off. तो व्यू काफ़ी अच्छा था. और एक्चुअली क्या हुआ, मेरे को विंडो सीट नहीं मिली थी, आइल सीट मिली थी. तो फिर एक मिलिट्री मैन बैठा था जिससे मेरी काफ़ी बातें हुई भी, और वो नेचर का बहुत अच्छा था. एंड आई वाज प्राउड टू बी सिटिंग नेक्स्ट टू हिम, क्योंकि वो अपने पोस्टिंग से घर लौट रहा था गुजरात से. एंड उसने मेरे को थोड़ी देर के लिए अपनी सीट भी दी रिकॉर्ड करने के लिए सारे वीडियोज़ जो आप देख रहे हैं अभी. हमारी लैंडिंग हुई.
यहाँ पे मेरे को स्टैंप लगाया गया था जो एयरप्लेन वाले लोगों को लगाया जा रहा है, एंड देन जाके अपना बैगेज लिया। मेरे बैग्स काफ़ी जल्दी आ गए थे जो अच्छी बात थी, क्योंकि फिर टाइम वेस्ट नहीं हुआ हमारा। और फिर आपका मैं एयरपोर्ट से बाहर निकला, मेरे नाना नानी मेरे को पिक करने के लिए आ रखे थे, एंड देन फाइनली आई हैड कंप्लीटेड माई जर्नी।